एक दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसका पति खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि वह दुल्हन बहुत ही सुंदर थी। उसके चेहरे को देखकर बोलता है कि मैंने आज तक इतनी सुंदर औरत देखी ही नहीं है, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। तभी वह लड़की रोने लगती है। तब उसका पति पूछता है कि क्या हुआ, और कहता है कि मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। तब वह लड़की कहती है कि आज की रात तुम मुझे जितनी खुशियाँ देना चाहते हो दे दो, और जो भी चीज़ लेना चाहते हो ले लो, आपको मुझ पर पूरा हक है, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे घर भिजवा देना। तो दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये कहानी है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की। वहाँ पर 4-5 लड़कियाँ पढ़ाई के लिए रोज़ शहर जाया करती थी। वे पांचों एक ही गांव की थी और एक ही उम्र की थी, और उनकी पढ़ाई भी एक ही क्लास में चल रही थी। ये पांचों लड़कियां पढ़ाई करने के लिए शहर जाती हैं, जो उनके गांव से दूरी थी करीब 15 किलोमीटर, लेकिन बीच में एक नदी पड़ती है और उस नदी पे एक पुल बना है, और उस पुल की खूबसूरती ये है कि उससे ऊपर से देखने पे नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़र आता है। कुछ लोग उस पुल पे रुक जाते थे अपनी फ़ोटो खींचने के लिए। कुछ मछली मारने वाले भी पुल से मछली मारते थे कांटों के द्वारा। ये पांचों लड़कियां भी अक्सर ऐसे ही जाया करती थी और आया करती थी, और पुल पे कुछ देर के लिए ठहर जाया करती थी। वहीं पर एक मछली फंसाने वाला लड़का होता है, जो मछलियों को पकड़ने में बहुत माहिर होता है। उसका नाम था महेश निषाद। उसमें ना जाने कौन सी ऐसी कला थी कि वह सब लोगों से ज़्यादा मछली पकड़ लेता था। उन पांचों लड़कियों में एक लड़की थी जिसका नाम नेहा था। उसको मछली पकड़ना बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन वह महेश मलाह के पास आती है और कहती है कि मुझे भी मछली पकड़ना है। तब महेश बोलने लगा कि तुमसे ये सब नहीं होगा, ये बहुत गंदा काम है। तब नेहा कहने लगी कि मछली तो मैं भी खाती हूँ, इसमें गंदा क्या है। तब वह युवक कहता है, ठीक है तुम खड़ी रहो, मैं अगर मछली फंसेगी तो मैं तुम्हें बताऊँगा। 10 मिनट के अंदर एक मछली कांटे में फंस जाती है। तो महेश बोलता है कि अरे खींचो, जल्दी खींचो, कांटे में मछली फंस गई है। अब नेहा मछली को खींचने लगती है। मछली कुछ बड़ी थी, इस कारण मछली भी अपनी तरफ खींच रही थी और नेहा भी उसे अपनी तरफ खींच रही थी। तब नेहा बोलती है कि अरे आप भी खींचिए, नहीं तो आपकी मछली भाग जाएगी। नेहा और महेश मिलकर मछली को निकाल लेते हैं और नेहा को बहुत ही अच्छा लगता है। मछली निकाल कर नेहा तो घर चली गई, लेकिन जो महेश मलाह था उसका खेल अब यहीं से बिगड़ने लगता है। अब महेश मलाह हर समय नेहा की यादों में खोया रहने लगा, क्योंकि मछली निकालते समय कभी वो उसको पकड़ता तो कभी वो उसको पकड़ती, और रात भर उसके ही ख्यालों में खोया रहता है। जब सुबह होता है तो वह अपना सारा व्यवस्था लेकर फिर से उसी पुल पे पहुंच जाता है जहां से वह मछलियों को मारा करता था। जब वह पांचों लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि महेश निषाद अकेले बैठा हुआ है। तो वह बोलती हैं कि अभी तो यहां कोई नहीं आया है और तुम सुबह सुबह अकेले ही यहां पर आ गए हो। तब नेहा बोलती है कि आते समय मैं मछली पकड़ूंगी, तुम यहीं रहना, जाना मत। तो वह भी बोलता है कि नहीं जाऊँगा, क्योंकि वह इसीलिए आया ही था। फिर जब वापसी में वह पांचों लड़कियां आती हैं करीब 4 बजे, दौड़ के उसके पास जाती हैं और बोलती है कि बताओ किसमें मछली फंसी है। पहले से जो मछली फंसी थी महेश ने उसको निकाला ही नहीं था, वे नेहा का ही इंतजार कर रहा था। फिर वह एक मछली निकालती है, दो निकालती है, ऐसे ही करके वह 4 मछलियों को निकालती है। कल तो नेहा के सिर्फ हाथों ने ही टच किया था, आज नेहा के बालों ने भी उसको टच कर दिया। नेहा को कल की तरह आज भी बहुत अच्छा लगा। तब महेश बोलने लगा कि अरे ये मछलियों को ले जाओ, तुमने ही तो फंसा के पकड़ा है इन्हें। फिर अगला दिन आता है और 4 बजे वो पांचों लड़कियां फिर पढ़ के वापस आ रही होती हैं। ठीक उसी पुल पे आती हैं तो महेश उनके सामने मछलियों को रख देता हुआ, बनाया हुआ मछलियाँ, और कहता है कि लो खा लो। तब वे बोलने लगी कि हम लोगों ने तो केवल मजाक किया था और तुमने वाकई मछली बना कर लेते आए। और वे कहने लगी कि हम क्या रास्ते में ऐसे ही बैठ के मछली खाएंगे। तब उन्हीं में से एक ने कहा कि चलो खा लेते हैं यार।
उसके बाद वे पांचों लड़कियां और महेश नदी के नीचे जाते हैं और मछली खाते हैं और अपना नदी में हाथ धो लेते हैं और वे पांचों लड़कियां अपने घर जाने लगती हैं। तभी रास्ते में एक लड़की बोलती है कि नेहा देखो वह कितना अच्छा लड़का है, तुम्हारे लिए मछली बना कर लाया है। तब नेहा बोलती है कि केवल मैंने ही थोड़े खाया, तुम लोगों ने भी तो खाया है और तुम ही लोगों के कहने के कारण मैंने भी खा लिया। तब वे सहेलियां बोलती हैं कि तुम गुस्सा मत करो, वह लड़का बहुत अच्छा था और तेरे लिए ही रखा था। दोस्तों कहते हैं कि पहला प्यार किसी से भी हो जाता है। नेहा के दोस्तों ने भी उसके साथ मजाक किया था लेकिन उसने सीरियस में ले लिया और घर जाने के बाद वह भी महेश के बारे में ही विचार करने लगी। अब उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा एहसास जगने लगा। फिर जब अगला दिन आया वह रोज की तरह पांचों सहेलियां स्कूल के लिए निकलती हैं और पुल पे आती हैं तो देखती हैं कि महेश रोज की तरह वहां खड़ा है। तब नेहा उसको देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि आकर मैं मिलूंगी, तुम जाना मत। फिर शाम को 4 बजता है और पांचों लड़कियां फिर आती हैं और नेहा महेश के पास आकर कहती है कि सिंघाड़े खाओगे? तब महेश बोला समोसे। तब नेहा बोली हाँ लाए हैं तुम्हारे लिए। तब महेश बोला मेरे लिए क्यों लाए हो तुम लोग समोसे? वे लोग फिर से पुल के नीचे जाकर खाने लगे। तब नेहा ने कहा कि तुमने हम लोगों को मछली खिलाया था इसीलिए हमने तुम्हें समोसा खिला दिया। तब महेश ने कहा कि मैंने तुम्हें मछली पकड़ना भी सिखाया, तुम लोग मुझे क्या सिखा रही हो? तब लड़कियां बोलती हैं कि हम लोग क्या सिखाएंगे तुम्हें, हम तो पढ़ाई करते हैं, अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है तो बोलो। तो महेश कहने लगा कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने डिप्लोमा का कोर्स किया है ग्वालियर से। ये सुनकर वह हैरान रह जाती हैं और कहती हैं तब तुम ये मछलियाँ क्यों मार रहे हो? तब वह बोलता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि इनको मछली खिलाया करो, इसी कारण मैं मछलियों को मारता हूँ और मेरी जाति भी यही है, बगल के ही गाँव का रहने वाला हूँ और जाति का भी मैं मलाह हूँ, इस कारण मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ। मित्रों 5-6 दिन के मुलाकात के बाद ही महेश और नेहा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब वे एक दोनों दूसरे से बात करने लगते हैं और पुल पे मिलने के बाद भी वो अलग अलग जगहों पे मिलते हैं। कुछ भी हो प्यार छिपाने से छिपता नहीं है। किसी तरह ये बात महेश और नेहा के घर वालों को पता चल गई कि नेहा महेश से मिलने जाती है। नेहा के घर वाले थोड़े दबंग किस्म के इंसान थे। जिस गांव की वह लड़कियां थी वह पूरा गांव ही एक तरह से दबंग था। एक दिन 5-7 लोग पहुंचते हैं पुल पर और महेश को बहुत ज़्यादा मारते हैं। वे समझ ही नहीं पाता कि उसको क्यों मारा जा रहा है। उनमें से एक आदमी बोला कि अपनी औकात मत भूलो, अपनी औकात में रहो, ज़्यादा इश्कबाजी की तो यहीं मार के फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, अभी तुम हम लोगों को जानते नहीं हो। महेश ये बात सुनकर समझ जाता है और वह पुल छोड़ देता है। लेकिन मित्रों जो हाल महेश का था वही हाल अब नेहा का भी था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एकदम बेचैन थे। 7-8 दिन जब बीतता है कुछ डर अंदर का कम हो जाता है तो महेश फिर उसी पुल पर आ जाता है और फिर से उन दोनों की मुलाकात शुरू हो जाती है। एक दिन जब नेहा और महेश पुल पे बात कर रहे थे तो नेहा के घर वाले आ जाते हैं और आकर महेश को इतना मारते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए महेश को नदी में कूदना पड़ता है। नेहा भी बचाने की कोशिश करती है और बाकी सारी लड़कियां साइड हो जाती हैं। इतना होने के बाद भी दोनों का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ और एक दिन दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और साथ में ही रहने और जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। जब नेहा के घर वाले समझ जाते हैं कि ये मानने वाले नहीं हैं तो नेहा के घर वाले महेश को एक फर्जी केस में डकैती के आरोप में उसे जेल भिजवा देते हैं। 4-5 महीने के लिए वह जेल चला जाता है। जब महेश रास्ते से हट जाता है अब नेहा के परिवार वाले विचार करने लगे कि इसकी शादी भी करवा देते हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला है, रहने वाले एक लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं जिसका नाम था राजू सिंह।
शादी होती है और शादी के बाद जो अब अपने वो घर जाती है तो ये सुहाग वाली बात आती है। इसके बाद राजू सिंह उसको बहुत धमकाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतना पैसा खर्चा करके हम लोगों ने ब्याह किया है और तुम क्या सोचती हो कि तुम इतनी आसानी से मर जाओगी। तुमने जो भी कुछ किया है उससे कुछ मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अब तुम मेरी हो और तुम ऐसे रहोगी या वैसे कैसे भी करके तुम्हारे अपने पास ही रखेंगे और तुम्हें रहना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर वह बोली, तुम जो भी कर लो कभी ना कभी तो तुम मुझे अकेला छोड़ोगे और जिस समय छोड़ोगे मैं उसी समय अपनी जान दे दूंगी। अब वह अपनी सारी कहानी अपने पति को बता देती है कि एक महेश नाम का लड़का है जिससे मैं प्यार करती थी। ये सब बातें सुनने के बाद राजू कमरे से बाहर चला जाता है और 5 मिनट बाद फिर वापस आता है, लेकिन उसके पीछे पीछे महेश भी होता है। और जब महेश कमरे में आवाज़ देता है नेहा, जब नेहा की कानों में उसकी आवाज़ पड़ती है तो वह उसकी तरफ देखने लगती है और उसको देखती ही रह जाती है, फिर राजू को देखती है। तब राजू बोलता है कि लो महेश आ गया। महेश के आते ही नेहा उसके गले लग जाती है और लिपट कर रोने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई सपना देख रही है। तभी उस कमरे में 2-4 और रिश्तेदार आते हैं और खुशी से ताली बजाने लगते हैं। तब नेहा को राजू पूरी कहानी बताता है। अब नेहा को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या उसके साथ कोई चाल चली जा रही है, लेकिन राजू उसको सारी बात बताता है। महेश को उसी दिन बेल मिली थी और वह जमानत पे घर आया था शादी वाले दिन ही, और कार्ड में उसका पता देखता है और वह सीधा राजू के घर पहुंच जाता है और पहुंच कर देखता है कि वह राजू तो उसके साथ ही पढ़ता था। राजू भी महेश को देखकर हैरान हो जाता है कि मैंने तो इसे बुलाया ही नहीं था तो ये कहां से आ गया। राजू बोलता है कि अरे महेश भाई आ गए, बहुत अच्छी बात है, आइए चलिए, लेकिन महेश एकदम चुपचाप सा रहता है। तब राजू सिंह उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। तब महेश उसको अपनी सारी कहानी बता देता है। उसकी सारी बात सुनकर राजू बोलता है कि शादी वाले दिन तुम ऐसी बात मत करो, मैं भी उस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे और मुझे तुमने बताया भी था किसी लड़की के साथ तुम्हारा संबंध चल रहा है तो फिर तुमने विवाह क्यों नहीं किया। तब महेश कहने लगता है कि मेरे ऊपर क्या क्या बीती तुमको नहीं मालूम, मुझे मारा गया, मुझे जेल भिजवा दिया गया झूठे केस में फंसा कर। उसके बाद राजू सिंह अपने पापा को बुलाता है और ये तीनों अकेले में कुछ बात करते हैं। महेश के हाथ में जो शादी का कार्ड का टुकड़ा था वह उसको नेहा ने ही अपनी सहेली से महेश के पास विदा करवाया था और उसमें लिखा हुआ था कि आप जेल में हो और मेरी शादी हो रही है और मेरे माँ बाप का जो मुझ पे अधिकार है उसके अनुसार मैं तो विवाह कर लूँगी, लेकिन अगले दिन मेरी लाश मेरे घर पे होगी, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। जब वे लोग इस कागज़ को देखते हैं तो वह विचार करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। तुम्हारी शादी तो उसके साथ हो नहीं सकती, अगर तुम फिर से जाओगे उनके पास तो तुम्हें फिर से मारेंगे। हम लोग एक प्लान बनाते हैं और ये बात किसी को मत बताना, जैसे शादी हो रही है होने दो, क्योंकि तुमने तो शादी पहले ही मंदिर में कर चुका है, मेरा जो भी हो रहा है इसको तुम झूठा शादी ही समझना। और जब मैं शादी करके उसको अपने घर पे लाऊंगा तो मैं उससे पूछूंगा कि क्या वह तुमसे वाकई प्यार करती है, और अगर वह तुमसे प्यार करती है तो मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी लौटा दूंगा। राजू सिंह उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तुम उसे भूल जाओ, लेकिन नेहा अपने बात पर एकदम अटल रहती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। वह एक बहुत बड़े वकील थे और उन्होंने कहा कि अगर वह कुछ करते हैं तो मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारा केस लड़ूंगा। तब महेश राजू से कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा और ना ही चुका पाऊंगा। तब राजू कहता है कि जाकर अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाओ और मुझे भी ऐसी ही लड़की चाहिए, तुम कहीं से भी ढूंढ कर मेरे लिए ऐसी ही लड़की जाकर लेकर आओ। और उसके बाद सारे लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।